मुफ्ती सलमान अजहरी के केस में एक नई अपडेट सामने आई है। बता दें आपको कि 23 अप्रैल की तारीख में मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो दरख्वास्त की थी उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किए गए थे मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुडासा, जूनागढ़ और दूसरे मुकाम पर, उसे जो है मंसूख करने की दरख्वास्त की गई थी। इस पर जो है अदालत ने आइंदा तारीख 24 जुलाई की दी है। इसके साथ ही एक दूसरा मामला जो 25 अप्रैल का था, उस मामले में पासा को चैलेंज किया गया था। पासा की चैलेंज की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने इस पर जो है 30 अप्रैल की तारीख दी है। बता दें आपको कि पासा के केस में बाज़ाब्ता तौर पर वकला ने जो है स्टे का मुतालबा किया था, यानी पासा बोर्ड ने जो पासा को बरकरार रखा था उस पर स्टे लेने के लिए जो है ये दरख्वास्त दाखिल की गई थी। इसी तरह से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में नफरत अंगेजी का जो मामला मुफ्ती सलमान अजहरी पर दर्ज किया गया था, उस FIR को मनसूख करने की अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई है। लेकिन वो जो दरख्वास्त है मुख्तलिफ अदालत में दाखिल की गई है, यानी वो हाईकोर्ट में जो है यकजा नहीं की गई है, जिसे क्लैपिंग कहते हैं। अगर ये दरख्वास्त अगर क्लैपिंग में की जाएगी, यानी एक साथ में यकजा करके की जाएगी, तो एक ही तारीख जो है मिलेगी। लेकिन अब तक जो है वकला ने दरख्वास्त को क्लैप नहीं किया है। दरख्वास्त को क्लैप करने के बाद जो है मामला एक ही साथ में चलेगा। बता दिया आपको कि तमाम दरख्वास्तों को यकजा करना ज़रूरी है, ये कानूनी माहिरीन का कहना है। लेकिन मुफ्ती साहब की जो वकला की टीम है उन्होंने अब तक जो है इस मामले में दरख्वास्त पेश नहीं की है। हाईकोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर यकजा करने की दरख्वास्त दाखिल की जानी चाहिए और मुकदमे को एक ही जगह जो है चलाने की अपील करनी ज़रूरी है। जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी पर 3 मुकामात पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद जो है पासा लगाया गया, गैर कानूनी तरीके से पासा को जो है वो करार दिया गया, उनके वकला ने जो है पासा को गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन पासा कमेटी ने मुफ्ती सलमान अजहरी का जो है पासे को बरकरार रखा है। पासा बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है मुफ्ती सलमान अजहरी के जो पासा को उन्होंने चैलेंज किया था और गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन पासा बोर्ड ने उसे जो है बरकरार रखा है। इस मामले में हाईकोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी ने इसे चैलेंज किया है और इस मामले में समाअत जारी है। लेकिन जो समाअत है वो तादेर जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि अभी जो है जो तारीख दी गई है वो जुलाई की दी गई है और इस सिलसिले में जो है मनसूखी की जो तारीख है वो जुलाई की है और ये 30 अप्रैल की तारीख दी गई है। आइंदा भी इस मामले में तारीखें मिलने की उम्मीद है और ये मामला जो है तवील इख्तियार किया जा सकता है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।